उसने मुझे मारा, नमाज में कौन मारता यार। के लिए मैंने इस्लाम कबूल किया, निकाह किया। सर पटकता है, खुद को खरोच देता है। अगर आदिल इस्लाम कबूल किया तो आपको अपनी सफाई देनी होगी। के लिए मैंने इस्लाम कबूल किया, निकाह किया, मुझे धोखा दिया उसने। बहुत बुरा वक्त है राखी के ऊपर। आदिल फिलहाल इनको छोड़ के जा चुके हैं अपने सामान लेकर। और वीडियो आरोप है उस पर ये कि उसने तकरीबन 4 लाख रुपए कैश और कुछ जेवरात राखी के घर से लेके गए। राखी, मैं नमाज पढ़ रही थी, एक दिन इस लड़की का फोन आता है और उसने पूरा कांच का कल मेरे घर में आए थे, नमाज पढ़ के उठने के बाद जानमाज रखा है वहां पे, उसने मुझे मारा, नमाज में कौन मारता है यार। राखी, हम सब आपके साथ हैं, आप संयम रखें, सब ठीक होगा, कानूनी पूरे ऑप्शंस आपके पास। कौन साथ देगा मेरा? सब साथ देंगे, सब जितने तमाम लोग ये जो देख रहे हैं। ये तो कहते हैं मैं ड्रामेबाज हूँ। नहीं, इसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप ड्रामेबाज हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम सब जान चुके हैं। आदिल ने आपको धोखा दिया। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो लड़की के साथ अफेयर की बात सामने आ रही है, आप पिक्चर्स देखो, आप ऑडियो सुनो, लड़की साफ कह रही है। और इसके और कर्नाटका में इतने केस है, रोशना दिलेक ईरानी लड़की ने भी इस पे केस किया, जो इसकी 5 साल से गर्लफ्रेंड थी, उसको शादी का झांसा देके रखा था और उसके गंदे गंदे वीडियो बना के वायरल किए हैं। आपने केस देखा है वो? बिल्कुल, मैं कहीं झूठ बोल रही हूँ? मैंने सारे केसेस देखे, सारे FIRs की कॉपी देखी और जहाँ जहाँ इनको बेल मिला है आदिल को, वो भी मैंने देखा। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? आदिल अगर आपके पास कल आता है और माफी मांगता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? वो मुझे माफी ना मांगे, वो मीडिया में जाए, सच्चाई बोले अफेयर का। मेरा मुझे सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए, स्टार बनने के लिए, मेरे 1.5 करोड़ लिए, मेरे पास सारे चेक सब कुछ है, एक भी मैं एक शरीर को क्या आत्मा भी मेरी नहीं छोड़ ली। अगर वो कल माफी मांगता है मीडिया के सामने और आपसे, तो क्या राखी सावंत उसको माफ करेंगे? अभी तो मेरा मन नहीं है, अभी मैं बीवी हूँ, शर्म आनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा धक्का लगा है भाई कि कुरान पे हाथ रख के आप तुम उसके पास जा रहे हो, कुरान पाक, जब ये मुसलमानों के वो खुद ऐसा गलत कर रहा है तो हम जैसे लोग, काफिर जैसे लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम कैसे बिलीव करेंगे, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं समझ सकता हूं, और हम यही दुआ करेंगे कि आप लोगों के बीच में वापस पैचअप हो जाए, जो भी नाइतिफाकी दूर हो, वो लड़की जो आपकी जिंदगी में आई है वो नहीं जाएगी। जब मेरी माँ मर गई, जिस वक्त मेरी माँ मरी, मेरी माँ को मोक में रख के आए बर्फ में, उस दिन मैं घर में आती तो इसके शरीर पर, मैं आपको फोटो देती, लव बाइट्स, मेरे पे क्या गुजरेगी कि माँ को मैं बोली कहाँ हो, आ रहा हूँ करके, होटल में है रेमेडी मेरे पास होटल का। जिस दिन मेरी माँ 28 को मरी, 28 को बुकिंग, ये लोग होटल में बॉडी में लव बेड्स लेकर आए, हमारे में हाथापाई हुई, माँ मेरी मरी है, तुम लव बेड्स लेकर आ रहे हो। ये सब खुलासे पहले क्यों नहीं आप मीडिया के पास आ रहा तू यार, पुलिस में गई आप? यार मैं एक बीवी हूँ, मैंने उसको मौका दिया सुधरने का, वो नहीं सुधर रहा। आप लोग कहते हो कि मैं घर का मामला बाहर लाती हूँ और फिर बोलते पहले क्यों नहीं बोला, अभी बोल रही हूँ ना। चलिए, क्या गुजर रही है मुझ पर, मैं जानती हूँ। खुलासा कर दिया है राखी इन सब चीजों को लेकर, तो मुझे लगता है उनकी माँ ने, उनकी आंटी ने उसे बहुत समझाया, बेटा इस्लाम में तूने अभी शादी करी है तो निभा ले, वो लड़की को छोड़ दे, माँ बाप का भी झूठी कसम खाया, कुरान की भी झूठी कसम खाया आदिल खान दुर्रानी। राखी आप संयम रखिए, ये राखी सावंत है जिनके ऊपर जो बीत रही है वो ही जान सकती हैं। इनको धोखा मिला है प्यार में, धोखा मिला है शादी और गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में लॉक खुद को मारता है, सर पटकता है, खुद को खरोच देता है, वीडियो बनाता है और कहता है कि मुझे देखिए, मुझे राखी ने मारा, देखिए मुझे राखी ने मारा, मुझे। तो क्या आपने कभी आदिल को मारा? कभी नहीं। आदिल ने आपको मारा? आदिल ने मुझे बहुत मारा, मैंने अपने बचाव में उसको धक्के मारे हैं, मुझे यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है फाइब्रॉइड का, 4.5 महीना हुआ मेरे पास सब है, मुझे यहाँ लात मारी है, यहाँ। अब कानूनी राखी इस समय पूरी तरह टूटी हुई है और हम सब ये दुआ करेंगे कि अभी भी इनका घर बस जाए, हम नहीं चाहेंगे कि घर टूटे। आदिल अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और उस गलतियों को दोहराएं नहीं। आप अभी भी, आपके पास वक्त है, आप आ सकते हैं,
मैं और ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं।